बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आपको डी एक्सएम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूं, जहां पे हम सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में मेंटल एबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले का आज का 10वां लेक्चर, जिसमें हम कोडिंग की क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारे पास वर्ड और उसका जो कोड था वो उसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में रीड कर रहे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास जो वर्ड है रोस्ट और इसका कोड है TSAOR। यहाँ पे हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास जो स्पेलिंग रोस्ट के थे सेम वही स्पेलिंग जो है वो उसके कोड के अंदर रिपीट हो रहे हैं, जबकि उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया गया। जो फर्स्ट लेटर था उसको लास्ट पे लिख दिया, आर स्टार्टिंग आर था, आर से स्टार्ट हो रहा था वर्ड रोस्ट, तो आर को एंड पे ले गए और रोस्ट का वर्ड जो टी पे एंड होता था ये इसका फर्स्ट लेटर बन गया। सो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे हमने वर्ड को उसके स्पेलिंग को रिवर्स कर दिया तो उसका कोड बन गया। जैसे हमारे पास था आर, ये एंड पे आ गया, उसके बाद ओ सेकंड लास्ट हो गया, ए मिडल में है, सेकंड लास्ट लेटर एस था जो कि सेकंड लेटर बन गया और टी, तो इसका मतलब रोस्ट के स्पेलिंग को हमने उसका ऑर्डर जो है उसका सीक्वेंस जो है वो रिवर्स कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे चाइना का जो ऑर्डर है सीक्वेंस से रिवर्स करेंगे तो ए इसका जो लास्ट लेटर है वो अब फर्स्ट बन जाएगा। अब फर्स्ट नंबर में हमारे पास ए ऑप्शन में डी ए से स्टार्ट नहीं होती, बी ऑप्शन भी ए से स्टार्ट नहीं होती, इसे डिस्कार्ड कर देंगे। ए के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा हमारे पास एन, एन के बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास आएगा आई। अब यहाँ पे ए एन दोनों में सेम था, थर्ड लेटर आई आएगा जबकि सी ऑप्शन में आई नहीं है, डी ऑप्शन में आई मौजूद है, लिहाजा इसका आंसर आ गया डी ए एन आई एच सी, ए एन आई एच सी, ये चाइना का कोड बन जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस क्वेश्चन में भी कोड बनाते वक्त वर्ड को स्पेलिंग्स को वर्ड के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया। गिवन जी से स्टार्ट होता है जी आई वी ई एन, तो अब यहां से हम एंड से देखें तो जी आई वी ई एन यानी कि उसका जो ऑर्डर है जो उसकी डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया गया और सेम लेटर है, लेटर्स में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सेम लेटर्स को रिपीट किया गया बट उसको एंड से लिखना स्टार्ट किया। तो इसी तरह से यहाँ पे हम ई कार्ड को उसका हम कोड बना सकते हैं, ई कार्ड ई से स्टार्ट होता था तो ई को लास्ट लेटर बना देंगे कोड के अंदर, ई के बाद सी आता है तो सी सेकंड लास्ट पे आ जाएगा, सी के बाद ए आता है तो ए से सी से पहले से लिख देंगे, देन आर है यहाँ पे आर लिख दिया और आखिरी लेटर हमारे पास टी, यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर बन गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसको लिखा है तो ई कार्ड का जो हमारे पास कोड होगा वो हो जाएगा ट्रेस, और ट्रेस हमारे पास बी ऑप्शन में है तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं हमारे पास जो वर्ड के स्पेलिंग्स हैं करेज के सेम वही स्पेलिंग वही लेटर्स उसके कोड में यूज हो गए, बट उनकी लोकेशन पोजीशन जो है, पिछले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में ये था कि वो एंड से स्टार्ट होते थे, गिवन में एंड से स्टार्ट किया था, चाइना में भी सी एंड पे चला गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंड पे नहीं गए हैं, रिवर्स ऑर्डर नहीं हुआ उसका, बल्कि उनके डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो अब हम देखते हैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखते हुए, सी ओ यू आर ए जी ई, और इसका कोड हमारे पास है जी आर ई सी जी ओ ए यू। अब चूंकि इनकी पोजीशन सिर्फ चेंज हुई है तो हम इनके साथ यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन, हमने इनके सेवन लेटर्स थे करेज में, तो यहाँ पे सेवन इनके साथ नंबरिंग कर दी। अब हम देख सकते हैं सी जो है हमारे पास यहाँ पे कोड के अंदर थर्ड पोजीशन पे गया है, तो सी पोजीशन थ्री पे गया था उसके साथ हम थ्री लिख देते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे ये सी थर्ड पोजीशन पे था, सेकंड लेटर हमारे पास करेज में ओ आता है, वो यहाँ पे पोजीशन उसकी फाइव पे चला गया, तो उसके साथ हम नंबर फाइव लिख देते हैं। यू जो है वो पोजीशन सेवन पे चला गया हुआ है, तो उसके साथ हम सेवन लिख देते हैं। इसी तरह से हमारा वर्ड में आर, आर जो है वो यहाँ पे नंबर वन पोजीशन पे चला गया, उसके साथ वन लिख देते हैं। लेटर ए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कोड के अंदर पोजीशन सिक्स पे चला गया, उसकी जगह हम उसका साथ पोजीशन उसके सिक्स लिख देते हैं। सिमिलरली जी जो है वो कोड के अंदर पोजीशन फोर पे चला गया, तो जी के साथ यहाँ पे नंबर हमने फोर लिख दिया। एंड लास्टली ई जो है वो पोजीशन टू पे आ गया, उसके साथ हम टू लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ये ऑड नंबर्स हैं और स्टार्ट हो रहे हैं ऑड नंबर फ्रॉम द टॉप, ये हमारे पास थ्री जो है ये इवन नंबर्स हैं और ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द बॉटम, और ये वन जो है ये इन द मिडल में है, वन इज इन द मिडल, और ऊपर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, और नीचे जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। सेम यही रूल हम अप्लाई करेंगे हमारे पास क्वेश्चन वर्ड एडवेंचर के ऊपर, ए डी वी ई एन टी यू आर एंड ई। वन मिडल लेटर, मिडल लेटर यहाँ पे हमारे पास है इस एडवेंचर में मिडल पोजीशन पे है एन, तो उसके साथ ये नंबर वन पोजीशन पे जाएगा कोड के अंदर, और उसके बाद हमारे पास ये ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, तो यहाँ पे हम ऑड नंबर स्टार्ट कर देते हैं टॉप से, वन के बाद थ्री आएगा, फाइव सेवन एंड नेक्स्ट ऑड नंबर इज नाइन। इसी तरह से ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं जी ए जी ई के साथ जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ पे भी हम एडवेंचर के साथ भी बॉटम से हम इवन नंबर को स्टार्ट कर देते हैं, टू फोर सिक्स एट। अब ये पोजीशंस हैं इन लेटर्स की इन द कोड, लिहाजा यहाँ पे हम कोड के लिए उसकी पोजीशंस यहाँ पे लिख देते हैं जी, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फिफ्थ लेटर आएगा कोड में, यहाँ पे सिक्स लेटर आएगा वर्ड का, ये सेवन एट नाइन। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो पोजीशन थ्री पे जाएगा, तो हम थ्री पोजीशन पे ए को लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद लेटर डी पोजीशन फाइव पे जाएगा, डी को यहाँ पे पोजीशन फाइव पे लिख दिया। लेटर वी पोजीशन सेवन पे जाएगा, लेटर वी को सेवन पोजीशन पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास ई पोजीशन नाइन पे जाएगा, पोजीशन नाइन पे ई लिख देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास एन, इसने पोजीशन वन पे जाना है, तो एन जो है नंबर वन पे चला जाएगा यहाँ पर, एन इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कुछ हिंट हमें मिल जाते हैं जिससे हम इसका आंसर तो तलाश कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी एन, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन एन से स्टार्ट होती है सी, तो ये इसका कोड आ जाएगा, बाकी ये ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसका लास्ट लेटर ई है हमारे पास और फर्स्ट लेटर एन है, तो सी के अंदर भी हमारा फर्स्ट लेटर एन और लास्ट लेटर ई बनता है, और अगर हम रिमेनिंग पोजिशन फिल कर लें तो हमारे पास इसका कम्प्लीट आंसर हमें मिल जाएगा। पोजीशन एट पे टी जो है पोजीशन एट पे जाएगा, यू पोजीशन सिक्स पे जाएगा, आर पोजीशन फोर पे जाएगा और ई पोजीशन टू पे जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका एडवेंचर का कोड आ जाएगा एन ई ए आर डी यू वी टी ई, ये इसका कोड आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी वाशिंगटन के जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम
उसके कोड में यूज हुए हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे पहले वाशिंगटन को हम लिखते हैं यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में डब्ल्यू ए एस एच आई एन जी टी ओ एन। इसके बाद इसका कोड लिखते हैं यहाँ पे एन टी एन एच ए डब्ल्यू एस आई जी ओ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास W जो है वो इस पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इसके साथ पोजीशंस लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो W जो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन 6 पे गया है, A पोजीशन 5 पर, एस पोजीशन 7 पर, एच पोजीशन 4 पर, आई पोजीशन 8 पर। कोड के लेटर्स को नंबरिंग की है तो हमारे पास वर्ड के साथ पैटर्न नहीं बन रहा है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बन गया था। सो इस वजह से हम यहाँ पे जो नंबरिंग है हम वो वर्ड के लेटर्स के साथ करेंगे इंस्टेड ऑफ कोड के लेटर्स के साथ। तो आइए इस तरह से ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं पोजिशन के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे W जो है ये इसकी पोजीशन W की यहाँ पे आ गई 1। उसके बाद A हमारे पास यहाँ पे ये A है, इसकी पोजीशन हम यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई। S नंबर 3 ये इस जगह पे है, ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास H, ये H है, तो इसके साथ हम नंबर पोजीशन 4 लिख देते हैं जी। देन हमारे पास है जी नेक्स्ट लेटर I, यहाँ पे I हमारे पास इस जगह पे, और आई के साथ नंबर हम 5 लिख देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी एन, अब एन हमारे पास ये एन आ गए यहाँ पे, दो एन है लेकिन यहाँ पे चूंकि इससे पहले कंटिन्यूटी आ रही है एक लेटर ऊपर और एक नीचे, दरमियान में बगैर किसी लेटर को स्किप किए हुए, इसलिए हम इसी को यहाँ पे लेंगे। ये नंबर हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी, ये जी आ गए हमारे पास, इसके साथ हम नंबर 7 लिख देंगे। देन नेक्स्ट वन विल बी टी, और टी के साथ नंबर 8 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ओ नंबर 9 पे, ये 9 आ गया यहाँ पे। अब ये वाला एन जो है ये टॉप पे चला जाएगा और इसके साथ नंबर आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी 10। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये इवन नंबर्स हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं मिडल से, और ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें थे 12, 10 जो कि इवन नंबर था, तो इसमें मिडल से हाफ से शुरू किया हमने, 5 लेटर ऊपर ले लिए, 5 लेटर नीचे हो गए, हाफ लेटर्स दो 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 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अपर हाफ के लिए इवन नंबर्स है हमारे पास आ रहे हैं और लोअर हाफ के लिए ऑड नंबर्स हैं, और ये इवन और ऑड नंबर मिडल से स्टार्ट होते हैं। हम इसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इसको लाहौर पे अप्लाई कर देंगे, एल ए एच ओ आर ई। यहाँ पे इनके साथ अगर हम नंबरिंग कर दें जैसे हमने वाशिंगटन के साथ की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं 6 तक। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया जी ऊपर की तरफ इवन नंबर्स, और यहाँ से स्टार्ट किया नीचे की तरफ बॉटम की तरफ ऑड नंबर्स। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्योंकि टोटल ये 6 लेटर्स थे तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ से ऊपर हम इवन नंबर स्टार्ट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ऑड नंबर्स। तो यहाँ से ऊपर की तरफ इवन नंबर स्टार्ट करते हैं 2, 4, 6 आ जाएगा,
और ऑड नंबर टुवर्ड्स बॉटम 1, 3, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एल, इसने जाना यहाँ पे इस पोजीशन 1 के ऊपर, तो एल इधर लिख देंगे हम। उसके बाद हमारे पास ए, इसने नंबर 2 पे हमने इसको लिखना है, तो 2 पोजीशन हमारे पास यहाँ पे, इधर ए आ जाएगा। एच नंबर 3 पे जाएगा, तो 3 हमारे पास यहाँ पे है, ये एच आ गया यहाँ पे। ओ 4 पे जाएगा और ये फोर्थ पोजीशन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ओ। आर 5 पे जाएगा और ई 6 पे जाएगा, तो ये हमारे पास इसका कोड आ जाएगा ई ओ ए। सी इज द आंसर, ई ओ ए एल एच आर, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसमें इस क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे एडवेंचर और इसके कोड में अगर हम देखें तो लेटर्स जो है वो सब सेम है, जस्ट उनकी पोजीशंस में चेंजिंग है। हम लिहाजा इनको यहाँ पर भी इनकी पोजीशंस के बेसिस पे इनका रूल एक्सप्लोर करते हैं, तो हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, ए डी वी ई एन टी यू आर एंड ई। इसका कोड है इसके सामने हम लिख देते हैं जी ए वी एन यू ई आर टी ई एन डी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो अगर हम इसके साथ नंबरिंग कर दें एडवेंचर के लेटर्स के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास वो पोजीशन 1 पे है, डी हमारे पास यहाँ पे उसकी पोजीशन 2 थी और डी यहाँ पे एंड पे आता है कोड के अंदर, वी की पोजीशन 3 लिख देंगे, एन की पोजीशन यहाँ पे 5 है, यू की पोजीशन 7 है और ई की पोजीशन 9। इसी तरह से ये ई हमारे पास पोजीशन 4 है इसकी, टी की पोजीशन 6 है और आर की पोजीशन 8 है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कोड के अंदर ये ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, ऑड पोजीशंस वाले स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, और ये हमारे पास इवन पोजीशंस वाले लेटर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, तो ये इवन एंड ऑड में डिवीजन है यहाँ पर, तो इसी का रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर। पी आर ओ जी आर ए एम एम आई एन एन जी, साथ में प्रोग्रामिंग के लेटर्स को हम पोजीशंस असाइन कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब यहाँ पे सेम इसी को फॉलो करते हुए रूल को ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, यहाँ पे हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, एंड इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम से शुरू कर देते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लेटर्स जो हैं वो हम यहाँ पे रीराइट कर देते हैं। नंबर 1 पोजीशन पे पी जाएगा, तो नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे पी को लिख दिया। आर की पोजीशन कोड के अंदर 2 बॉटम पे चली गई है, तो यहाँ पे 2 हमारे पास बॉटम पे है जी, यहाँ पे आर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड लेटर ओ, इसने नंबर 3 पे जाना है, तो 3 हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 5 पे, पोजीशन 5 पे हमारे पास लेटर जो है वो आर है, ये नंबर 5 पे आ जाएगा आर। 7th पोजीशन पे हमारा लेटर एम है, 7th पोजीशन पे एम लिख देंगे। 9th पोजीशन पे हमारा लेटर आई है, तो आई लिख देंगे। पोजीशन 11 के ऊपर जी आता है जी, तो
तो 11 पोजीशन पे यहाँ पे जी लिख देंगे। उसके बाद पोजीशन 10 के ऊपर एन आएगा, ये एन आ गया। नेक्स्ट पोजीशन 8 के ऊपर हमारे पास लेटर है एम, तो 8 पोजीशन पे एम आएगा। नेक्स्ट 6 पोजीशन में हमारे पास लेटर ए है, तो यहाँ पे 6 पे ए आ जाएगा। और नंबर 4 पे जी को आना है, तो यहाँ पे हम नंबर 4 पे जी लिख देंगे। तो इसको देखते हुए हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है पी से, तो पी से हमारे पास एक ही ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन, बाकी सारी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। पी ओ आर, पी ओ आर, एम आई जी एन, एम आई जी एन, एम ए जी आर, एम ए जी आर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद में है कि आप समझ गए होंगे। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम। कोड के लेटर्स को नंबरिंग की है, तो हमारे पास वर्ड के साथ पैटर्न नहीं बन रहा है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बन गया था। सो इस वजह से हम यहाँ पे जो नंबरिंग है हम वो वर्ड के लेटर्स के साथ करेंगे इंस्टेड ऑफ कोड के लेटर्स के साथ। तो आइए इस तरह से ट्राई करते हैं।